नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पैक्स ऑनलाइन कोचिंग में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कालिदास जी का। कालिदास जी की जो रचनाएं हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन आंसर आते हैं, कौन कौन सी रचनाएं, जैसे कि रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवश्यम, ऋतु संहारम, ठीक है। इस तरह की जो आपके इसमें चैप्टर कोर्स में हैं उसमें के अंदर से क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो उनके क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, क्योंकि इन जो चैप्टर की जो स्टोरीज थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। और जिनकी रहती है वो आगे मैं इसमें कंटिन्यू कर दूँगी, ठीक है। तो इनके अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चंस, तो उनके क्वेश्चन के आंसर पता होने हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें दो तीन नंबर का आ ही जाता है, ठीक है। तो चलिए, अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो न्यू व्यूअर्स हैं उन सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि भाई चलो ठीक है, हमारे कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है, तो आप उन्हें शेयर भी करें। देखिए, शेयर करने से क्या होता है, शेयर करने से उन लोगों के पास ये जो है वीडियो का लिंक जाता है, जिन लोगों के पास कोचिंग जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम रहती है कि भाई हम कोचिंग नहीं जा सकते हैं, कुछ ना कुछ उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और कुछ लोगों का ये रहता है कि बहुत दूर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर वो पहुँच ही नहीं पाते, तो उनके लिए मेरी ये जो कोचिंग है ऑनलाइन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप शेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कालिदास जी का रघुवंशम, नाटक से है। रघुवंशम के कृतिकार कौन है? रघुवंशम के जो कृतिकार है वो है कालिदास, ठीक है। रघुवंशम के जो कृतिकार है, कृतिकार बोलते हैं जो उसके रचयिता होते हैं, या तो रचयिता लिखाएगा या कृतिकार लिखाएगा या फिर रचनाकार, तो कौन है वो? कालिदास जी, ठीक है। उसके देखिए रघुवंशम के नायक का नाम क्या है? रघुवंशम जो नाटक है उसके नायक का नाम है दिलीप, ठीक है। रघुवंशम से ये मत सोचना कि राम का नाटक होगा तो उसमें राम होंगे, ऑप्शन के अंदर राम बहुत देर रखते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रघुवंशम के जो नायक है उनका नाम था दिलीप, और जो रघुवंशम की नायिका है उनका नाम क्या है? सुदक्षिणा। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर की यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन मिल गया इसके अंदर ही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रघुवंशम की मुख्य रस क्या है, यानी कि जो रघुवंशम का जो नाटक है उसमें मुख्य रस क्या है? वो है श्रृंगार रस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघुवंशम किस काव्य विद्या के अंदर आता है? तो वो काव्य विद्या का नाम क्या है? महाकाव्य। क्लियर हो गया है? तो ये आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। इस तरह से आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और जब आपका एग्ज़ाम टाइम होगा तो आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे, और लर्न होने के बाद आपके जो उसमें मार्क्स हैं वो तो फिर आपको मिलेंगे ही, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघुवंश का प्रारंभ किसके वर्णन से होता है? जो रघुवंशम नाटक है उसका प्रारंभ किसके वर्णन से होता है? दिलीप वर्णन से, दिलीप के वर्णन से, ठीक है। रघुवंशम में कितने राजाओं का वर्णन है? रघुवंशम में जो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर एक भी आएगा तो आप सोचेंगे कि इसमें तो सिर्फ एक राजा का नाम था दिलीप, तो एक ही होगा, लेकिन इसमें जो है 31 राजाओं का वर्णन है, ठीक है। ये 31 है, ये कटा हुआ है, ये 31 है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघुवंशम में रघु के वर्णन में किस रस की प्रधानता है? तो रघु के वर्णन में करुण रस की प्रधानता है, और वैसे ही ये जो पूरा नाटक है उसकी उसमें किस रस का मेन प्रधानता है? वो है श्रृंगार रस, ठीक है, और रघु के वर्णन में करुण रस। उसके बाद देखिए, रघुवंशम की समाप्ति कब होती है? रघुवंशम की जो समाप्ति होती है यानी इस नाटक का जब अंत होता है लास्ट में, तो किस कब होता है? वो होता है अग्निवर्ण वर्णन से, ठीक है, अग्निवर्ण वर्णन से, क्लियर। तो ये स्टार्टिंग किससे हुई थी रघुवंशम नाटक की? दिलीप वर्णन से, और अंत अग्निवर्ण वर्णन से, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, रघुवंशम में कुल कितने श्लोक हैं? श्लोकों की संख्या है 1569, 1569, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रघुवंशम का आधार ग्रंथ कौन सा है? आधार ग्रंथ कौन सा है? रामायण। देखिए रामायण इसका आधार ग्रंथ है, तभी इसका नाम रघुवंशम पड़ा है, तो इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज किस्म हो जाते हैं।
इसके नायक के नाम में, ठीक है, उसमें राम जरूर दे रखेंगे। तो लेकिन इसके नायक कौन है? दिलीप। तो रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि सर्ग कहीं कहीं पर सर्ग दे रखेंगे, जैसे कि रघुवंशम में सर्ग में बांटा गया है लेसन को, ठीक है। कोई कोई इसमें जैसे हम जैसे उपभाग बोलते हैं, ठीक है, उपभाग नॉर्मली बोले जाते हैं, कहीं पर सर्ग दे रखेंगे, कहीं पर कुछ और अंक दे रखेंगे, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो रघुवंशम को कितने सर्ग में बांटा गया है? 19, ठीक है। दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा, जो इस नाटक की वो है नायिका, ठीक है। तो दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? सुदक्षिणा। दिलीप के कुल गुरु कौन थे? इनके कुल गुरु का नाम था गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ की गौ का नाम क्या था? वशिष्ठ की गौ का नाम था नंदिनी, ठीक है। दिलीप किस वंश के थे? दिलीप जो थे वो सूर्यवंशी थे, ठीक है। रघुवंशी मत लिख देना, ये सूर्यवंशी है, इसमें रघुवंशी दे रखते हैं ऑप्शन में, लेकिन हमें किस पे टिक करना है? सूर्यवंशी पर, क्लियर। विदूषक राजा का क्या होता है? विदूषक जो होता है राजा का क्या होता है? वो विनोद प्रिय सहचर होता है। यारा क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया, ये विनोद प्रिय सहचर होता है। रघुवंशम के अज विलाप में किस रस का वर्णन है? अज विलाप में किस रस का वर्णन है? करुण रस का, ठीक है। रघुवंशम के अज विलाप में करुण रस का वर्णन है, और जब रघु के वर्णन में भी करुण रस का वर्णन है, और वैसे श्रृंगार रस का, क्लियर। ये थे रघुवंशम के, और देखते इसके क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य में किन राजाओं का वर्णन है? जो कालिदास कृत जो रघुवंशम है उसमें किन राजाओं का वर्णन है? वो राजा थे इक्ष्वाकु वंशीय, ठीक है, इक्ष्वाकु वंशीय, क्लियर हो गया ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, रघु ने किस यज्ञ को संपन्न किया था? अश्वमेघ यज्ञ को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाकवि कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम कौन कौन सी? इनकी रचना है, सबसे फर्स्ट है रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोवंशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम। इस एक क्वेश्चन से आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा कि अगर रचनाओं के इसमें अगर कोई भी दे दिया, ऋतु संहार के कृतिकार कौन है, तो फिर कौन होंगे? वो कालिदास जी। कुमार संभव के कालिदास जी। इससे से कुछ भी पूछ सकता है, या फिर अगर इसमें क्वेश्चन ये दे देंगे कि कालिदास की जो मालविकाग्नि मित्रम विक्रमोवश्यम के अलावा और कौन सी रचनाएं कालिदास जी की है, तो उसमें ऋतु संहारम दे देंगे, ठीक है, उसके अलावा कोई और रचनाएं दे देंगे, तो आपको उसमें फिर ऋतु संहारम छाटना है, कोई सी भी दे देंगे। तो ये वाली इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनके नाम आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमार संभवम के नायक नायिका का नाम बताइए। ये तो यहाँ तक तो उसके हो गए रघुवंशम के। कुमार संभवम नाटक के देखिए जो नायक है वो कुमार संभवम के, वो है शिव, और नायिका कौन है? पार्वती। दो क्वेश्चन हो गए, नायक भी पूछ सकता है, नायिका भी, ठीक है। तो कुमार संभव के नायक है शिव और नायिका कौन है? पार्वती, क्लियर। कुमार संभवों में सर्गों की संख्या कितनी है? देखिए इसमें सर्ग आ गया है ना, तो सर्गों की संख्या कितनी है? 17, ठीक है। और ये जो थे आपका रघुवंशम उसमें कितनी थी? 19। तो अलग अलग होते हैं, ये सर्ग पूछे जाते हैं, और सर में कंफ्यूज मत हो जाएगा, इनका अलग अलग लर्न कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, कालिदास की धारणी के पुत्र का नाम क्या है? कालिदास की धारणी के पुत्र का नाम है वसुमित्र। कालिदास की धारणी के पुत्र का नाम क्या है? वसुमित्र। नेक्स्ट देखिए, कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में अंकुरित हुई है? वो जो नाट्य कला जो है वो मालविकाग्नि मित्रम में अंकुरित हुई है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालविकाग्नि मित्रम के नायक का नाम, मालविकाग्नि मित्रम के नायक का नाम है अग्निमित्र। देखिए अग्निमित्रम ये नायक का नाम है, इसी के अंदर छिपा हुआ है, ठीक है, और इसकी जो वो है नायिका वो है मालविका, लेकिन इसमें अग्निमित्र की दूसरी पत्नी का नाम भी दे रखा है। अग्निमित्र की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? इरावती। कौन है? इरावती। अब देखिए, मालविका अग्निमित्रम में मालविका के नाट्याचार्य का नाम गणदास,
मालविका अग्निमित्रम में मालविका के नाट्यचर्य का क्या नाम था? गणदास। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारी मालविका अग्निमित्रम की पट महिषी कौन है? पट महिषी कौन है? धारिणी। मालविका अग्निमित्रम की पट महिषी धारिणी है। धारिणी के पुत्र का नाम है वसुमित्र। मालविका अग्निमित्रम का विदूषक कौन है? कौन है वो? गौतम। मालविका अग्निमित्रम का विदूषक कौन है? गौतम। नेक्स्ट है विक्रमोवश्यम के नायक और नायिका का नाम। विक्रमोवश्यम के जो नायक है उसका नाम है पुरवरा और नायिका का नाम है उर्वशी। विक्रमोवश्यम में कुल अंकों की संख्या कितनी है? देखिए इसमें अंक दे दिया उसमें सर, ये है 5। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि जो विक्रमोवश्यम है वो किस में बटा हुआ है? अंक में, सर्ग में, भाग में, उपभाग में, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि विक्रमोवश्यम जो अंक में बटा हुआ है, रघुवंशम सर्ग में बटा है और जो कुमार संभवम है वो भी सर्ग में बटा हुआ है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि किस में बटा हुआ है। जैसे देखिए अब नेक्स्ट ऋतु संहारम, जो ऋतु संहारम है कितने सर्गों में बटा हुआ है? वो 6 सर्गों में बटा हुआ है। देखिए ये सर्गों में बटा है ऋतु संहारम। उसके बाद देखिए कालिदास ने 6 ऋतुओं का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? अब 6 ऋतुओं के वर्णन, ऐसी कौन सी रचना है जिसमें ऋतु लिखा हुआ था? वो है ऋतु संहारम। तो 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ऋतु संहार में कितनी ऋतुओं का वर्णन है? 6। एक क्वेश्चन यही बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन निकलता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 ऋतुओं का वर्णन है किसमें? ऋतु संहारम में। देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चंस है जो मेन पूछे जाते हैं, सिर्फ मैंने वो वाले इसमें क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। आप अगर इन्हें भी पढ़ लेंगे तो आपके इसमें मार्क्स मिल ही जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी के जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आगे लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो पुराने व्यूवर्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ ही रही है जिस तरह से अब तक आती आई है, तो आप उसके बारे में भी अपने जो विचार है वो लिख सकते हैं। अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मेरे को, ठीक है। और आप सभी मेरे से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके एपेक्स कोचिंग की जो फेसबुक आईडी आप उस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।